इस देश के फेकू जिसे यूट्यूब में भी अपन देख लो तो लिख के आता है फेकू करके, उनका जुमला था कि हम 15 लाख लोगों के इसमें खाते में डालेंगे। ये तो चुनावी जुमला है, ये वैसे ये चुनावी जुमला है, कटेंगे तो बटेंगे। ना कभी इंसान कटा था ना कभी बटा था, फकत विचारधारा है, एक मनुवाद की विचारधारा है, अम्बेडकर की वाद की विचारधारा, तो विचारधाराओं की लड़ाई है। चंद्रशेखर साहब आप बताइए, अब रामटेक विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं, तो आप लोगों के लिए क्या सोच के खड़े हैं कि आप एक आमदार बनेंगे तो क्या करेंगे लोगों के लिए? रामटेक विधानसभा क्षेत्र ये ट्राइबल बेल्ट और बाउल क्षेत्र आता है, जिसमें वन क्षेत्र का ज्यादा भाग है, इसमें आदिवासी क्षेत्र के अभी तक विकास नहीं हुआ है। जो गवर्नमेंट की योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की ट्राइबल लोगों के लिए, वो यहाँ पे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करके उनके विकास के बारे में सोचा जाएगा। और बताइए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है? रोजगार, आरोग्य, रस्ते और जो जो मूलभूत सुविधा आवश्यक जीवन के लिए लगती है, तो संपूर्ण भावी पे हमारा मैनिफेस्टो है। अच्छा, रामटेक क्षेत्र में सबसे बड़ा इशू है टाइगर अटैक का, वहाँ के किसान, वहाँ के जो लोग हैं, तो टाइगर अटैक से कई लोग, कम से कम 15 केसेस हो चुके हैं। बाघ का हमला जो हुआ, टाइगर का हमला हुआ, तो वो भी एक गंभीर विषय है, क्योंकि वहाँ के किसान आज खेत में जाने के लिए वो सोचना पड़ता है उनको कि भाई हमारी जान पे आ जाएंगी। तो क्या आने वाले समय में उस चीज पे भी आप कुछ, आपकी सोच है, कुछ करना चाहेंगे आप? ये जब ये अभयारण्य घोषित हुआ, तो अभयारण्य घोषित होने के पहले इसकी चीजें पूरी तरह से कार्यान्वित होनी चाहिए थी, कि रोड के किनारे से बड़ी जालियां लगे, ये लगे, उसका सावधानी भरित नहीं थी। पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये 15 जाने गई है। ये 15 जाने जो तथाकथित यहाँ के जो लोग है जनप्रतिनिधि, वो आमदार हो या उस क्षेत्र का जिला परिषद मेंबर हो या खासदार हो, ये उनके ऊपर जो अटैक हुआ, उनके ऊपर ही 302 का गुना दाखिल होना चाहिए। सरकार के नुमाइंदे पे जो है पदस्थ मिनिस्टरी है, उन पे गुना दाखिल होना चाहिए, कि अगर अपन कोई चीज का पूरी तरह से सुरक्षा नहीं करते और उसकी शुरुआत कर देते हैं, तो ये पहली चीजें उन पे दाखिल होनी चाहिए। उनकी उदासीन के कारण ही ये 15 लोगों की जाने गई है। जबकि ये जैसे अभयारण्य है, वैसे दूसरे भी जगह अभयारण्य है, ऑल ओवर इंडिया में कई जगह अभयारण्य है, वहां पे लोगों की जाने नहीं जा रही, क्योंकि वहां सुरक्षा ली जा रही है। पहले जाली का कंपाउंड, मतलब जो चीजें जानवर है, तो जानवर जब इंसान जब जानवरों की जगह पे जाएगा, तो जानवर भी तो इंसानों की जगह पे आएगा, तो सुरक्षा का दृष्टिकोण यहाँ पे नहीं लिया किया गया, इसलिए ये जाने गई है। अच्छा, और ये बताइए कि जो अभी लाडली बहना का जो माहौल चला था, तो क्या उससे आपके वोटों में कुछ फर्क पड़ सकता है? लाडली बहना का जो ये उन्होंने जो गवर्नमेंट ने किया है, ये एक लॉलीपॉप है और ये चुनावी फंडा है। इससे मतदाताओं में कोई ऐसा भ्रमित नहीं है, मतदाता अपने स्वयं बुद्धि से और अपने विवेक से मतदान हमें करेंगे, हमें ऐसी आशा है। अच्छा, और एक छोटा सा सवाल है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो ये जो स्टेटमेंट आता है बड़े दिग्गज नेताओं का, तो इससे क्या है, मतलब ये सबके लिए है या किसी एक किसी के लिए वो स्टेटमेंट दिया गया है? नहीं नहीं, ये जो चीजें है ये तो चुनावी मुहावरा रहता है। अच्छा, जैसा इस देश के फेकू जिसे यूट्यूब में भी अपन देख लो तो लिख के आता है फेकू करके, उनका जुमला था कि हम 15 लाख लोगों के इसमें खाते में डालेंगे, ये तो चुनावी जुमला है, ये वैसे ये चुनावी जुमला है, कटेंगे तो बटेंगे। ना कभी इंसान कटा था ना कभी बटा था, फकत विचारधारा है, एक मनुवाद की विचारधारा है, अम्बेडकर की वाद की विचारधारा, तो विचारधाराओं की लड़ाई है।